18 करोड़ रुपए में बेच देते हैं तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं, कहते रामद्रोही हो गए। अरे यार आप चंदा चोर हो, आप क्या कैसे आप हमें सर्टिफिकेट दोगे? रामद्रोही हो गए, हमने चंदे की चोरी की बात कर दी, हमने कहा चीन पर सीमा पर दिक्कत है, आप चीन हमारी सीमा में घुस रहा है, ये कहते सेना के द्रोही हो गए, सेना पर सवाल उठा रहे। उसी तरीके से चूंकि अब छोटा देखा जाए तो राहुल गांधी जी ऐसी टिप्पणियां हिंदू धर्म के बारे में बहुत ही कैजुअल तरीके से करते हैं जिससे कि आम आदमी को ठेस पहुंचती है, नंबर एक। नंबर दो, मुझे अभी तक नहीं पता कि राहुल गांधी जी का एक्चुअल रिलीजन क्या है, क्या वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, मुझे कोई आइडिया नहीं है आज तक। वो पहले मुस्लिम के तौर पे बताया गया था इंदिरा गांधी जी और फिरोज खान जी, फिर कन्वर्ट कर गए थे, उसके बाद अब क्रिश्चियन है, मुझे नहीं मालूम है और मैं इसकी डिटेल में। दोस्तों आज की डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है। राहुल गांधी के एक बयान पर बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, और उन्होंने आगे कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर मोदी जी ने एक बड़ा हमला बोला। मोदी जी ने तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में कोई शक्ति का विनाश कर सकता है क्या, और उन्होंने कहा कि ये इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों आज की डिबेट इसी मुद्दे पर है। आज की डिबेट में आलोक शर्मा और गोंदी एंकर के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुई। तो दोस्तों आज की डिबेट बहुत मजेदार है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। कहते हैं ना कि झूठ से सच से जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। अब तो आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए, और बातें मन की कहिए चाहे वतन की, पर आवाज जब भी बात कीजिए तो आवाज भारी रखिए। ये आवाज भारी रख करके जो झूठ बोला जा रहा है नरेंद्र मोदी जी, उनके साथियों के द्वारा, उनके साथी मीडिया के द्वारा, आप जितना चाहिए चिल्ला लीजिए, उसके हमें कोई लेना देना कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी बात पर कायम रहेंगे, नंबर एक। नंबर एक बात यह है कि हमने किसी धर्म की, कोई शक्ति स्वरूपा की या नारी शक्ति की या अपनी मातृशक्ति की, जिसके पीछे नरेंद्र मोदी जी छुप रहे हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले राम मंदिर के चंदा चोर हैं, 2 करोड़ रुपए की जमीन लेते हैं और 5 मिनट बाद 18 करोड़ रुपए में बेच देते हैं, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं, कहते हैं रामद्रोही हो गए। अरे यार आप चंदा चोर हो, आप क्या कैसे आप हमें सर्टिफिकेट दोगे? रामद्रोही हो गए, हमने चंदे की चोरी की बात कर दी, हमने कहा चीन पर सीमा पर दिक्कत है, आप चीन हमारी सीमा में घुस रहा है, ये कहते सेना के द्रोही हो गए, सेना पर सवाल उठा रहे। उसी तरीके से चूंकि अब चुनाव आ गए हैं, नरेंद्र मोदी जी ऐसे तमाम नाटक करेंगे। अभी ये पहला नाटक है प्रदीप भाई जिसमें आप भी शामिल हो रहे हैं जाने अनजाने में, लेकिन अभी कई नाटक होंगे, अभी आप देखिएगा लगा, अभी एक दिन रोएंगे भी वो, अभी यही शुरू उन्होंने किया, अभी नारी शक्ति के पीछे छुपे हैं, आगे आने वाले समय में किसी और शक्ति के पीछे छुपेंगे। लेकिन याद रखिएगा मेरी बात को, आखिरी 10 सेकंड दे दीजिए, याद रखिएगा मेरी बात को, नारी शक्ति हो, बेरोजगारों की शक्ति हो, वो सारी की सारी शक्तियां आपसे असलियत के मुद्दों पर जवाब मांगेंगी, आपको पीछे नहीं छुपने देंगे किसी भी चीज के। प्रदीप मैं एक चीज तो बताना चाहूंगा कि जो शक्ति शब्द है इसका धार्मिक मतलब ज्यादा होता है, ठीक है, तो हमें ये शब्द बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर यदि आप पॉलिटिक्स में हैं। और यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो राहुल गांधी जी ऐसी टिप्पणियां हिंदू धर्म के बारे में बहुत ही कैजुअल तरीके से करते जिससे कि आम आदमी को ठेस पहुंचती है, नंबर एक। नंबर दो, मुझे अभी तक नहीं पता कि राहुल गांधी जी का एक्चुअल रिलीजन क्या है, क्या वो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, मुझे कोई आइडिया नहीं है आज तक। जहां तक मैंने इतिहास पढ़ा है वो पहले वो मुस्लिम के तौर पे बताया गया था इंदिरा गांधी जी और फिरोज खान जी, फिर कन्वर्ट कर गए थे, उसके बाद अब क्रिश्चियन है, मुझे नहीं मालूम है और मैं इसकी डिटेल में जाना भी नहीं चाहता हूं। जहां तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का शक्ति शब्द का वर्णन है और उनका जो मतलब है वो होता है पावर, पॉलिटिकल पावर, वो शक्ति जो जनता ने। सुरेंद्र राजपूत कुछ कह रहे हैं आपको, सुरेंद्र राजपूत कुछ कह रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत कुछ कह रहे हैं पर्सनल पे, 10 सेकंड सुरेंद्र राजपूत कुछ। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग ये जो भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड फेसेस कर रहे हैं कि क्या नाम राहुल गांधी को मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन या क्या है, इंदिरा गांधी ने फिरोज खान से शादी की, ऐसे नाकिस, बेशरम, बेहुदे और निर्लज्ज इंसानों के साथ मैं बहस नहीं कर सकता। मैं इस बहस को, अगर ये लोग बहस में रहते हैं तो मैं बहस छोड़ देता हूं।
उसमें हिंदी में संज्ञा सर्वनाम तत्सम तद्भव पर्यायवाची शब्दों को किया जाता था। शायद प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने वो पर्यायवाची शब्द शायद पढ़े नहीं होंगे, शक्ति ताकत सामर्थ्य बल। अब हम ऐसी ताकत की बात कर रहे हैं जो महिलाओं का अपमान कर रही है, हम ऐसी ताकत की बात कर रहे हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आप अपना ठेका क्या नाम चंदा दो धंधा लो कर रहे हैं, हम ऐसी ताकत की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को तो चूंकि विषयांतर करना है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जवाब नहीं देना, प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पर जवाब नहीं देना है, प्रधानमंत्री जी को महिला सम्मान पर साक्षी मलिक पर जवाब नहीं देना है, प्रधानमंत्री जी को उन दो बेटियों पर जवाब नहीं देना है जो बेटियां क्या नाम फांसी लगा के मर गई, गुंडे उसके साथ दुराचार कर रहे थे और उसके पिता भी फांसी लगा के कानपुर में मर गए चूंकि उन्हीं गुंडों के लोग उससे FIR वापस लेने का दबाव दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी को उन 1 करोड़ युवाओं पर जवाब नहीं देना जो पुलिस की भर्ती और आरओ की भर्ती में सड़क पर घूम रहे हैं चूंकि पेपर लीक हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जी को तो विषयांतर करना है, चूंकि हार के डर से निराश है प्रधानमंत्री जी, इसलिए प्रधानमंत्री जी अपने आप को नारी शक्ति के पीछे छुपा रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी देश आपका परिवार है, नारी शक्ति आपका परिवार है, आपका अपना परिवार भी आपका परिवार है, सबकी इज्जत कीजिए। अगर इस तरीके के विषयांतर करेंगे ना तो लोग मानेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इस चीज को और खोलें हम, तो हम और खोलने के लिए भी। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने अपने ओपनिंग आर्ग्यूमेंट को मैंने सुना, प्रेम शुक्ला जी और सरिका पासवान जी, हिंदू धर्म के अंदर शक्ति का, शक्ति जो है उसका एक बहुत स्पेसिफिक मीनिंग है। हमारे यहाँ 51 शक्ति पीठ है, और शायद प्रेम शुक्ला जी, क्या राहुल जी को अपनी गलती का एहसास हुआ था इसीलिए 24 घंटे के बाद में एक स्पष्टीकरण ट्वीट करना पड़ा, और मैं इसीलिए इस बात पे मैं कहना चाह रहा हूं कि शक्ति यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है। जब कहा जाता है कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द है और हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ शक्ति पीठ होती है, 51 शक्ति पीठ है प्रेम शुक्ला जी, तो ये जनरलाइज नहीं कर सकते। इसीलिए मैं वापस से पूछता हूं, इस देश ने इतने साल देख लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के, पहले सालों लग गए राम मंदिर बनने में, क्या ये एक बड़ी गलती नहीं हुई है? क्या पॉलिटिकल बयानबाजी के बीच में हिंदू आस्था को इस तरीके से नहीं लाना चाहिए? प्रेम शुक्ला, सरिका पासवान, पहले प्रेम शुक्ला। देखिए प्रदीप भाई, हमारे यहाँ जो है दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमस्तस्य। तो जिन देवी ने मधु कैटब का वध किया, जिन देवी ने महिषासुर का वध किया, जिन देवी ने चंडमुंड का वध किया, जिन देवी ने रक्तबीज का वध किया, जिन देवी ने शक्ति स्वरूप होकर जो है शुम्भ निशुम्भ का वध किया, जिन देवी की शक्ति के सामर्थ्य के समक्ष जो है सारे नतमस्तक होते हैं, उन शक्ति की उपासना करने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और आप जानते हैं कि नवरात्रि में जल पर रहकर वो लगातार व्रत करते हैं, सतत व्रत करने वाले व्यक्ति हैं, और श्रीमान राहुल गांधी के कल के वक्त